एसओजी टीम और थाना खंदौली पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि एसओजी टीम और थाना खंदौली पुलिस टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए लग्जरी कार की चोरी करने की घटनाओं को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि इनके कब्जे से पुलिस ने 5 चोरी की कार, 2 तमंचा और अन्य चोरी का सामान भी बरामद किया है। एसओजी टीम और थाना खंदौली पुलिस टीम के संयुक्त ऑपरेशन द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए लग्जरी कार चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 6 अंतर्राज्यीय अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से 5 चोरी की कार, 2 तमंचा, 4 चाकू और अन्य चोरी के सामान भी बरामद किया है। वहीं एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने अपना नाम अनिल पवार, संदीप नागर, विक्रांत शर्मा उर्फ विक्की, अतुल यादव, आशुतोष यादव और अंशुमन प्रताप बताया है। वहीं बरामदी के संबंध में अभियुक्तों ने बताया कि हम सभी लोग महंगी और लग्जरी गाड़ियों को चोरी करने और बेचने का काम करते हैं। वहीं खुलासे से अन्य जुड़ी जानकारी सुधीर कुमार सिंह द्वारा साझा की गई। ये एसपीआरए वेस्ट साहब के निर्देशन में पर्यवेक्षण में ये एक बहुत ही अच्छा कार चोर गैंग पकड़ा गया है और इसके छह अभियुक्त एक पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से 5 लग्जरी कार चोरी हुई हैं, 2 तमंचे बरामद हुए हैं। इसके अलावा कार की चाबी बनाने का जो स्कैनर है वो बरामद हुआ है, डिवाइस पूरी बरामद हुई है, पूरी टूल किट बरामद हुई है, बहुत सारी चाबियां बरामद हुई हैं और इसके साथ साथ अन्य सामान भी बरामद हुए हैं जो इसमें प्रयोग करते थे। इनके द्वारा ये मॉडस ऑपरेंडी बताई गई है कार चोरी करने की, कि ये खड़ी कार को देख लेते थे, उसके बाद उसका या तो चाबी लगा के उसका लॉक खोलते थे या फिर शीशा तोड़ के अंदर घुस जाते थे और सायरन हटाकर उसके बाद ये उसमें नीचे डिवाइस लगाकर डायरेक्ट करके उसके प्रोग्रामिंग करते थे और चाबी बना लेते और गाड़ी लेके चले जाते थे। कहीं सी गाड़ी में अगर जीपीएस लगा है तो जीपीएस सिस्टम को वो डीएक्टिवेट कर देते ताकि उसका लोकेशन ना पता चले और कहीं एक जगह खड़ी कर देते थे और उसके बाद कुछ दिनों बाद ये गाड़ी की आरसी बनाकर उसे बेचा करते थे। डीजी महाराजा न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।